जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज ये आरिन मान नया है एक हमारे पास लिनोवो में। ये इसकी स्पेसिफिकेशन है 4i7 है, ये फोर्थ जनरेशन, ठीक है। 3.1 GHz का प्रोसेसर लगा हुआ है इसके अंदर, 16 GB की रैम है, 64-bit ऑपरेटिंग पीसी हुआ है इसके अंदर। और ये इसकी हार्ड चेक करते हैं कितनी है, तकरीबन ये 500 GB हार्ड है इसकी, 500 GB। i7 फोर्थ जनरेशन है ये, ठीक है। इसके बाद इसके ये बिल्ट इन स्पीकर हैं डॉल्बे, ठीक है, डॉल्बे के स्पीकर लगे हुए हैं इसके। इसकी साउंड अच्छी है, ये इसकी स्पीकर की साउंड है अपने। अभी इसको ओपन करके मैं मुकम्मल चेक करवाता हूँ इसके अंदर, आप इसके अंदर रैम पीसी की लगी हुई है या लैपटॉप की रैम है, और हार्ड जो है वो कौन सी लगी हुई है। इसको ओपन करने का तरीका भी आपको मैं मुकम्मल कंप्लीट बताता हूँ अभी। सो अभी इसको शट डाउन करते हैं। ये टेबल पीसी भी इसको कह सकते हैं, ऑल इन वन भी इसको कह सकते हैं। ये अभी इसकी पीछे जो ऑप्शंस हैं ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, ये इसका स्टैंड लगा हुआ है जो कि वॉल स्टैंड भी ये लग सकता है। ये इसका लॉक है स्टैंड का, लॉक को पुश करना है, पुश करके ऊपर करेंगे तो ये स्टैंड ओपन हो जाएगा आपका। जैसा कि ये देख सकते हैं, ये वॉल स्टैंड की भी ऑप्शन है, यानी कि आप इसको दीवार के ऊपर भी लगा सकते हो स्टैंड, वॉल स्टैंड मजबूत सा लेके। तो ये 4 स्क्रीन है इसके, ड्रिल करके दीवार के साथ आप इसको अटैच कर सकते हो। ये मुकम्मल पीसी इसने अंदर फिट कर दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। इसके अंदर 3.0 USB है, इसकी 4 स्लॉट्स हैं, ठीक है। USB की स्लॉट ये साइड पे भी इसने दी हुई है। ये कार्ड की ऑप्शन है, मेमोरी कार्ड की बड़े की। ये 3.0 USB है, ये चार्जिंग केबल भी इसमें साथ दी हुई है, ऑडियो की है, और ये माइक की केबल है इसकी एक साथ। ये देख सकते हैं आप इसको VGA के साथ इसने डीपोर्ट दी हुई है, डीपोर्ट के साथ ये लैन केबल है। सो ये साइड पे ना एक इसने राइटर भी लगाया हुआ है, जिसको हम DVD कहते हैं, राइटर। तो अभी इसको ओपन करने का तरीका बहुत सिंपल है, इतना रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ये 2 लॉक्स हैं इसके, एक ये लॉक्स है और ये एक ये लॉक है। ये लॉक पुश करने हैं इस साइड पे, ये ऊपर उसने बाकायदा एक निशान भी दिया हुआ है डेमो के लिए, तो आपको कोई परेशानी ना हो। ये देखें, लॉक को साइड पे करके थोड़ा सा ओपन करना है, ये ओपन हो जाना है, ये चीज़ बस। अच्छा जी, इसके अंदर अभी देखते हैं क्या क्या लगा हुआ है। सबसे तो पहले तो इसके अंदर रैम जो है वो 8 GB की 2 स्लॉट जिसमें लैपटॉप की लगाई हुई है, ठीक है। प्रोसेसर इसके अंदर PC का लगा हुआ है, सिस्टम का जो नॉर्मल होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो हार्ड है वो इसने ये पीछे से आई है, वैसे लैपटॉप की 1 TB हार्ड, लेकिन इसके अंदर आप PC की हार्ड भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। PC की हार्ड भी आप लगा सकते हैं इसके अंदर, छोटी कैडी भी लगाई है इसने, बड़ी कैडी भी लगाई हुई है, दोनों हार्डों की ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। इनके छोटी हार्ड भी आप लैपटॉप वाली SSD लगा सकते हैं, उसके बाद PC की हार्ड वो भी आप इसके अंदर अटैच कर सकते हैं। ये मुकम्मल कैडी इसने दी हुई है। उसके बाद ये राइटर लगा हुआ है साइड पर, अगर आपने SSD इसके अंदर ऐड करनी है तो इधर नॉर्मल हार्ड लगा लें आप, ये कैडी
उतार के इसके साथ एक सेकंड कैडी की ऑप्शन आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक मिनट। सेकंड कैडी इसकी सेकंड कैडी अभी फिलहाल तो नहीं मिल रही, एक मिनट। ये लंच, ये सेकंड कैडी आ गई है इसकी, ये सेकंड कैडी है इसकी। ऐसे ही ये नॉर्मल जैसे ये डीवीडी लगी हुई है इसके अंदर, ये नॉर्मल आप एसएसडी इधर ऐड करेंगे, एसएसडी ऐड करके तो ये ऐसे ही कैडी इसके अंदर फिट हो जाएगी। ये इसका जो फ्रंट बार है ये उतर के इसको लग जाएगा कैडी को, जैसे कि ये देख सकते हैं ना आप, ये निशान बने होते हैं इसके मुकम्मल। कैडी भी आप अटैच कर सकते हैं इसके ऊपर। और इसके बाद इसकी सप्लाई जो है वो उसने नॉर्मल लगाई हुई है, छोटी सप्लाई होती है इसके अंदर। और वायरलेस कार्ड भी इसके अंदर लगा हुआ है, ये वायरलेस कार्ड, ये लैपटॉप के अंदर जैसे कार्ड होता है ना वाईफाई के लिए वायरलेस कार्ड, वैसे इसके अंदर वायरलेस कार्ड भी है। और ये M2 कार्ड की ऑप्शन भी है इसके अंदर, देख सकते हैं स्लॉट्स अभी फ्री है। M2 कार्ड भी आप किसके अंदर लगा सकते हैं, जो डोलबाई के स्पीकर थे मैं दिखा रहा था वो ये लगे हुए हैं अंदर। ये दो डोलबाई के स्पीकर हैं, ये तकरीबन ढोल ही बना हुआ है। अभी फ़िलहाल जो इसने शॉर्टकट जो पीसी बना दी है ना, ये आप बैंकिंग में अक्सर देखते हैं एलईडीज़ बड़ी बड़ी लगी होती हैं, फैक्ट्रीज़ में किसी में जाते हैं देखते हैं एलईडीज़ लगी हुई है। सो वो होता ऑल इन वन है, उसके अंदर ही पीसी होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। सिर्फ इसका जो है ना हम कह सकते हैं कि केबलों का जो नॉर्मल आता था बहुत सारा रश पड़ा होता था, टेबल के ऊपर एलईडी पड़ी है, पीछे से केबल एलईडी की आ रही है, वीजीए केबल आ रही है, फिर माउस की केबल आ रही है, फिर कीबोर्ड की केबल आ रही है, वो रश जो है ना इन्होंने केबल का रश वो ख़त्म कर दिया है, इसको शॉर्टकट बना दिया हुआ इन्होंने। तो अभी इसके अंदर जो इसको जो ऑन करने के लिए यानी कि चलाने के लिए हमें जो केबलें रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक पावर केबल है और एक इसके अंदर आप कीबोर्ड और माउस लगाना है, यानी कि तीन केबलों के अंदर उन्होंने शॉर्टकट हल दे दिया हुआ है। तो ये जैसे देख सकते हैं सप्लाई इसकी नॉर्मल छोटी सप्लाई है, ये जैक छोटा है इसका, ये सप्लाई इसकी ब्लास्ट हो जाए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम बन सकता है, ठीक है, क्योंकि इसकी स्पेयर पार्ट्स जो है वो नॉर्मली तो नहीं मिलता। ये रैम आपको नॉर्मल मिल जाएगी मार्केट से, क्योंकि ये लैपटॉप की रैम है, सो इतना को रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल किसी भी मार्केट से आप जाके ले सकते हैं। हार्ड लैपटॉप की है सो वो आपको किसी भी मार्केट से नॉर्मल भी मिल जाएगी, सादी भी मिल जाएगी, यानी कि पीसी की हार्ड भी मिल जाएगी और लैपटॉप की हार्ड भी आपको नॉर्मल से अवेलेबल हो जाएगी आसानी से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ तक इसका जो सवाल है ना ये यानी कि ना ख़रीदने का, तो वो सिर्फ़ इसकी एक ही ऑप्शन चॉइस पे आ जाता है कि इसकी अगर सप्लाई उड़ जाए, ठीक है, अगर सप्लाई उड़ जाए इसकी तो अगर रिपेयर हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर रिपेयर ना हो तो फिर थोड़ा सा ऑप्शन जो है ना वो इंसान के पास आता है, भाई ये नहीं हो रहा तो आप चेंज ही कर लेते हैं, ये चीज़ होती है बस। यानी कि सप्लाई की तरफ से आके थोड़ा सा ये ऑल इन वन मार खा रहा है, बाकी और कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये शॉर्टकट हल है। तो नॉर्मल रेगुलर जो है ना वो कंपनी जो है वो नए से नया पीस निकाल रही है, सो बहुत खूबसूरत पीस भी आए हैं इसे ऊपर। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको जो इसे लेटेस्ट मॉडल है वो मैं अभी दिखाऊंगा। सो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।